हरे कृष्णा। एक समस्या जो अक्सर भक्तों को आती है वो ये कि उनके पति उन्हें भक्ति नहीं करने देते, तिलक नहीं लगाने देते, कंठी माला नहीं पहनने देते, बीट बैग उठा के फेंक देते हैं। इन शॉर्ट भक्ति उनका करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, तो पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें भक्ति करनी कैसे है। हमें अपने पति को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके सामने ही बीट बैग लेके बैठ जाएं और अपनी सोलह माला ख़त्म करें, या फिर जैसे ही वो आए हम तिलक लगा के बैठ जाएं, कंठी माला पहन के बैठ जाएं कि नहीं नहीं अब तो हम सिर्फ साधना करेंगे। नहीं, तो हमें ये देखना है कि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए भक्ति करना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक प्रेमिका है, उसे अगर अपने प्रेमी से मिलना होता है तो वो क्या करती है, वो घर में बता के थोड़ी ना घूमती रहती है कि मुझे मिलने जाना है, मिलने जाना है, मिलने जाना है। नहीं, वो अपने सारे काम अच्छे से करती है और उस टाइम पे वो दिमाग में प्लान भी करती रहती है कि उसे कैसे जाना है, क्या करना है, वो उसके बारे में सोचती भी रहती है और नॉर्मली घर के सारे काम करती रहती है। घर वाले बहुत खुश रहते हैं कि वाह, घर के सारे काम हो रहे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रही है, ना किसी से झगड़ती है, ना किसी से लड़ती है। एंड अल्टीमेटली जब उसके सारे काम हो जाते हैं तो वो छुप छुपा के मिलने चली जाती है, है ना। और कई लोगों को बहुत बहुत टाइम तक पता भी नहीं लगता उसके घर वालों को कि वो किसी और से मिल रही है। हमें भी वही अप्रोच फॉलो करनी है। तो हमें भी सारे घर के काम टाइम से करने हैं, ठीक है। अब ये नहीं हमेशा देखना है कि साधना का वक्त तो सुबह है तो हम सुबह 4:30 बजे उठेंगे और हम मंगल आरती करने टेम्पल जाएंगे और फिर हम वहीं चैंटिंग करेंगे, उसके बाद हम घर आएंगे, उसके बाद हम कुछ देखेंगे और पता लगा पति ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वो वैसे ही नहीं चाहता कि आप भक्ति करें, ऊपर से आपकी वजह से वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो आपको बिल्कुल ही भक्ति नहीं करने देगा। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले सारे काम करने हैं, उसके बाद छुप छुपा के भक्ति करनी है और अपनी साधना करनी है। ठीक वैसे ही जैसे वो प्रेमिका अपने काम करते हुए अपने प्रेमी का चिंतन कर रही है, हमें भी घर के सारे काम करते हुए कृष्ण का चिंतन करना है। तो अगर हमें साधना मॉर्निंग में ही करनी है तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने पति के उठने से पहले ही अपनी माला पूरी कर लें। यानी कि अगर उनके उठने का टाइम है 6 बजे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 4 बजे उठ के अपनी सारी माला ख़त्म कर लें और जब 6 बजे जब तक वो उठें तब तक आपकी माला हो चुकी होगी। इस तरह आप अपनी माला सुबह में भी कर सकते हैं और उन्हें बिना पता लगे भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी साधना और हमारी भक्ति स्मूथली चलती रहे तो हमें कोई भी चीज़ अपने पति पर थोपनी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम अगर 16 माला कर रहे हैं और हम हियरिंग, रीडिंग सब कुछ कर रहे हैं तो हम चाहें कि हमारे हस्बैंड भी करें। ज़रूरी नहीं है, आप उन पर कोई चीज़ थोपिए नहीं, धीरे धीरे उन्हें वो चीज़ खुद से अपनाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ मंदिर जाएं हमेशा। आप ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें इनिशियली आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप मुझे मंदिर छोड़ आइए और मंदिर से लेते आइएगा, तो धीरे धीरे वो आपको छोड़ने जाते हुए हो सकता है कभी वो दर्शन के लिए रुक जाएं, और धीरे धीरे उन्हें चीज़ें अपनाने दीजिए। क्योंकि हो सकता है जितने अच्छे से आप भक्ति को अपना पाए हैं अभी वो शायद उतने अच्छे से ना अपना पाएँ। तो उन्हें टाइम दीजिए और उन्हें चीज़ें अपने तरीके से समझने दीजिए। अब जब हम धीरे धीरे सुनते हैं और ज़्यादा अपने शास्त्रों के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करते हैं। तो अगर कोई आपने कोई चीज़ नई ऐड की है और आपके पति को बहुत पसंद आई है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये आपने शास्त्रों से सीखा या ये आपने टेम्पल से सीखा। आपने कोई डिश बनाई है जो आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको वो रेसिपी किसी माताजी से मिली है। और इस तरह आप उन्हें धीरे धीरे अपने आसपास होने वाली अच्छी चीज़ों का क्रेडिट टेम्पल और डिवोटीज़ को दे के उन्हें भी भक्ति में इंक्लाइन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका, अच्छा अच्छा प्रसादम बनाइए और उन्हें ढेर सारा प्रसादम खिलाइए। जब प्रभुपाद हिपीस को प्रसादम खिला के भक्त बना सकते हैं तो एटलीस्ट हमारे हस्बैंड उतनी खराब स्थिति में तो नहीं है। तो बेस्ट है, प्रसादम बनाइए, ऑफर कीजिए और उन्हें खिलाइए। प्रभुपाद ने भी कहा है, इफ़ नथिंग वर्क प्रसादम इज़ द लास्ट वेपन, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली प्रेयर टू श्री श्री राधापार्थ सारथी, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है कि आपके हस्बैंड आपको भक्ति में सपोर्ट करें और आपके साथ भक्ति करें। हरे कृष्णा।